राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने 46 साल पूरे कर चुके आपातकाल को याद करते हुए रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सन 1975 के आपातकाल जैसे हालातों की तुलना छत्तीसगढ़ के मौजूदा हालातों से की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत जिन मुट्ठी भर प्रदेशों में कांग्रेस या उसके प्रत्यक्ष समर्थित दलों का शासन है, वहां क्या हो रहा है देख लीजिए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का उदाहरण तो सबसे नया है। सरोज पांडे ने हाल ही में डॉक्टर अमन सिंह पर कांग्रेस नेताओं द्वारा करवाई गई एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि यहां किसी ट्वीट को रीट्वीट तक करना पड़ा अपराध बना दिया जाता है। भाजपा प्रवक्ता की आवाज को पुलिस या डर दिखाकर दबाने, राष्ट्रीय पत्रकारों पर 100-100 मुकदमे दर्ज करने में काम किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस स्टेशन के सामने ही पत्रकारों से हिंसा तक की जाती है, महज इसलिए क्योंकि वह आपसे असहमत हैं और आप वैसे ही उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना चाहते हैं, जैसा इंदिरा सरकार ने किया था। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आरोप को प्रमाणित करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कहीं कोई आरोप लगता है और आप उसमें दोषी पाए जाते हैं, जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उस घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। मैं इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, उनको एक बार अपना इतिहास पलटना चाहिए। और वो भयभीत क्यों है, उनका भय क्यों बोलता है? अगर वो भयभीत है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। जो गलत हो रहा है उसे रोकना देश के सर्वोच्च संस्था का काम है, उस सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का काम है, और जो जिस पद पर बैठा है वो उसे अपने पद के साथ न्याय करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी अपने पद के साथ न्याय करते हुए भारत की जनता के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी को यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए डरने की जरूरत नहीं होती है।